अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माशाल्लाह गुड सेल। द ग्रेट मास्टर्स टॉक का 8th वाला एपिसोड है। एकदम नामवर शख्सियत से आपको मिलाऊंगा, इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी मेरे शो में, जो है अकबर जाफरी भाई भी आना है, तो उनसे मैं मिलाना चाहूँगा आपको। द विलायती के जो किंग है, अब तक सिर्फ क्वालिटी में काम करे, क्वालिटी में अकबर भाई का नाम बहुत है माशाल्लाह, मुंबई में, पूना में, यहाँ तक के कश्मीर तक का भी नाम माशाल्लाह इनका फेमस है। तो अकबर भाई से मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम अजहर भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर भाई आपके फैंस बहुत हैं माशाल्लाह। द ग्रेट मास्टर टॉक करके मैं एक शो चला रहा हूँ जी, 8th वाला एपिसोड है, और यकीन मानो आप 3rd वाले एपिसोड से मेरे को इतने कमेंट्स आ रहे, लोग कॉल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मुंबई से भी कॉल आया, भाई अकबर जाफरी का सेटअप बताओ और उनका इंटरव्यू लियो ख़ास। तो माशाल्लाह आपका नाम बहुत फेमस है, क्वालिटी में आप काम करते सिर्फ जी। अज़र भाई माशाल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि भाई इतने लोग चाहने वाले हैं, हैदराबाद के नहीं ऑल ओवर इंडिया के। बहुत खुशी होती है भाई जब कोई मतलब ऐसा आप कहते हैं तो। जी एक्चुअल में क्या है, आपकी क्वालिटी बहुत पसंद करते लोग जी। आप सिर्फ क्वालिटी में काम करते, प्राइजेस अलग बात है, लेकिन लोगों को क्वालिटी देके खुश करना वो अलग बात है, दिल में उतर जाते आप लोगों के क्वालिटी बता के। मेन हमारा मोटो वही है अजहर भाई, क्वालिटी बताना। इसीलिए कभी भी आप देखिए कि 10-12 जानवर नहीं रहेंगे मेरे पास। अच्छा, 6-7 जानवर, 5 जानवर बस जी पलई पे जो होते हैं, वो भी अच्छे जानवर रहते हैं जी। तो एक बात पूछना चाहूँगा मैं, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कुछ सेल के जानवर का वो नहीं है, अगर आपके है भी तो अपन वो आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्वालिटी सिलेक्ट कैसा करते हैं मेरे को वो बताइए, आपका सीक्रेट। एक सीक्रेट देखिए अजहर भाई, बच्चे में अल्लाह ताला ने मतलब थोड़ी बहुत नज़र दी है कि भाई बच्चे को देख के कल ये कैसा होगा बोल सकते हैं, वही बस थोड़ा सा। अच्छा, वो समझिए आप, यानी छोटा बच्चा है उसमें से जैसे 10 बकरे हैं, जैसे एक बच्चा सिलेक्ट कैसा करके निकालते हैं, यानी वेट गेन करने वाला है आगे। उसके सींग होते हैं और पाँव की बनावट होती है कि पता लगता है कि भाई हैवी बोन स्ट्रक्चर का है, 100 kg वेट आसानी से उठा लेंगे इसके पाँव, वैसे बच्चे सेलेक्ट करके निकालते हैं और गुलाबी में देख के। अच्छा। और इंशाल्लाह आगे वो रिजल्ट देते हैं बच्चे सब। वही तो मैं बोल रहा हूँ, रिजल्ट भी अच्छा देते हैं वो, आगे वेट गेन करते। तो आप सिलेक्ट कैसा करते हैं, यानी बच्चे के पैर मोटे रहना चाहिए या सिंग कैसा रहना? पैर मोटे रहना चाहिए अजहर भाई, और गमछी छोटी होनी चाहिए उसकी, जो नीचे का हिस्सा होता है ना जी, खुर के ऊपर का हिस्सा होता है वो छोटी होनी चाहिए। अच्छा। और सिंग खुले होने चाहिए, अगर सिंग बंद होंगे तो जब हैवी वेट के लिए तैयारी पे लेंगे जानवर को, गर्दन मोटी करेंगे तो सिंग को आगे लग जाएगी। अच्छा। उसमें पीछे गर्मी में वो आना शुरू हो जाती, सिंग में सिंग खराब होना शुरू हो जाती। अच्छा। तो खुले सिंग के जितने ज़्यादा प्रिफर कर सके उतने ज़्यादा लेने चाहिए। अच्छा, और सिंग खिंचाना ज़रूरी रहता विलायती का, या फिर ये ऑप्शनल है अपने पास? नहीं नहीं, ये तो ऑप्शनल है अजहर भाई, नेचर में कुछ हम मदाखलत नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग तो सिंग नहीं खींचते। मेरे जितने भी जानवर हैं बगैर सिंग खींचे हुए आपको देखेंगे। माशाल्लाह सिंग की क्वालिटी अच्छी रहती, आप पहले ही चेक करके ले लें तो बेहतर रहता जी भाई। पास बकरे जो है दबा के सिंग भी डालते जी भाई। हाँ, नेचुरली वो लोग डालते हैं अजहर भाई, ऐसा कि नहीं। बस देखिए आप जंगल में भी जानवर, ये सारे जानवर तो जंगल से ही आ रहे हैं ना, तो जंगल में भी जानवर भारी सिंग के रहते हैं, उनको तो कोई सिंग खींचते नहीं, या सिंग के लिए कोई फॉर्मूला नहीं करते, ना कोई तेल लगाते ना कुछ, फिर भी जंगल में भारी सिंग होते ब्रीडरों के, जो ब्रीडर रखते हैं वो लोग जी, नेचुरली अच्छे सिंग आते। खुद से ज़्यादा अच्छा अपन नहीं कर सकते अजहर भाई, वो तो कुदरत है, लेकिन उसको अपन पॉलिश तो कर सकते। पॉलिश कर सकते हैं, जैसा कि शौक के तौर पे घर पे है जानवर वो कर सकते हैं, बाहर जो है वो तो मुश्किल है। अच्छा, तो आपका नाम जो है विलायती किंग कैसा पड़ा? जाफरी आपका सिर्फ एक लोगो देख के आपका नाम आ जाता उस? अल्हम्दुलिल्लाह अजहर भाई, जितने भाई लोग जितने जने शौक करते हैं, इन्होंने ये टाइटल दिया है विलायती किंग बोल के, मैं शुक्रगुजार हूँ उन सबका जी। पूरे हिंदुस्तान में जो भी भाई लोग चाहते हैं, पूरे हैदराबाद में नाम है विलायती में अकबर जाफरी का, क्वालिटी में काम कर। सिर्फ नाम आ गया तो जानवर का रेट बढ़ जाता, सही है? अरे नहीं, नॉर्मली रेट अलग रहता जानवर का, अकबर जाफरी का नाम आया तो रेट बढ़ जाता, ऐसा है? रेट का मसला कैसा है अजहर भाई, देखिए नॉर्मल रेट में भी अपन दे सकते हैं जानवर, लेकिन वो समझ में नहीं आएंगे। अच्छा, तो आपसे मिलने का क्या मतलब, बल्कि 2-3 कस्टमर का मतलब चैटिंग भी है, मैं बताऊँगा आपको भाई ये जानवर तो नॉर्मल रेट में जो मांगते हैं ना, जैसे कि
वो अपन बता दिए अगर, तो भाई ये तो बाहर भी मिलते हैं, तो रेट का डिफरेंशिएट इसलिए आता है क्योंकि बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश में रेट बढ़ जाता है बाहर। अच्छी चीज़ का कोई भी अच्छी चीज़ देखिए अगर वही नॉर्मली रेट में नहीं देंगे बाहर। सही है, नॉर्मली अगर मैं बच्चा भी लेने जाता हूँ, 100 बच्चों में से 2 बच्चे निकालता हूँ जी, तो जो 3000 का रेट रहता है वो 8000 रुपए हो जाता है 2 बच्चों का रेट जी, वही की तो क्वालिटी रहती वो जी। आपको 100 बच्चे लॉट का लेने से अच्छा 2 बच्चे क्वालिटी वाले लो, उस पर काम करो जी, आगे वो भी अच्छा होता जी। तो अजाहरी एक दो मिनट रोकना चाहूँगा, अकबर भाई आपसे और थोड़े सवाल भी है जी, तो वो भी करेंगे, तो अजां के बाद से कंटिन्यू करते हैं जी। अकबर भाई मेरे को एक बात बताइए, आप जो गुलाबी बच्चे आते और थोड़े कलर के आते, तो वो दोनों में कुछ डिफरेंट रहता है यानी वेट गेन करने में? नहीं भाई, कलर वाले बच्चे भी उतना ही वेट गेन करते हैं जितना गुलाबी करते हैं, लेकिन दिखने में पाले बाद से एक रिजल्ट, जैसे कि एक साल पहले मेहनत कर ली है अपन एक बच्चा लेके, तो बाद में खूबसूरती जिसकी आती है वो ज़्यादातर गुलाबी में आती है। अच्छा, खूबसूरत होते वो पर्पस पे आप गुलाबी जानवर ले सकते हो, वजन तो हर कोई कलर का जानवर गेन करता है। अच्छा, नहीं तो आपके पास एकदम ब्लैक कलर में भी रहते जैसा ये बच्चा है जी। थोड़ा आपके बकरों के बारे में भी देख लेते हैं, आपके जो पीछे है आइए थोड़ा बताइए आपके बकरे भी। तो पीछे जो ये बच्चे है माशाल्लाह बहुत तैयारी में है जी, क्या वेट है इसका? इसका वेट 128 है अजर भाई, 128 kg माशाल्लाह जी। सिंगों की क्वालिटी देखें, फुल गुलाबी है ना ये जी? भाई गुलाबी है, ऑलरेडी सेल हो गया है जानवर कुर्बानी के लिए। अच्छा, इंशाल्लाह चला जाएगा अपने पास। हाँ हाँ, तो अकबर भाई आपके पास ये मेंटेन कर रहे हैं आप जो वेट है, उल्टा बढ़ा रहे, इसमें कम तो नहीं होता आपके पास, तो इसके डाइट का सीक्रेट क्या है आपके पास जो खा रहा है इन्हें? डाइट देखिए अजर भाई, इसमें कई किस्म के अनाज है जी, जैसा कि गेहूँ है, चना है, मकई है। एक बार बता देंगे वो भी जो खा रहा है इन्हें? बता दीजिए आप। हाँ, थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा एग्रेसिव दिख रहा है इन्हें। इसमें क्या है? खुलती है, चना है, मकई है, जौ है। अच्छा, जौ भी है इसमें जी, गेहूँ है। अच्छा, तो दूध है इसको मेंढे में। आप डाइट कैसा देते हैं इसको? डाइट देखिए सुबह दोपहर शाम में क्या क्या डाइट रहती है, यानी 128 केजी का बकरा है, खर्चा आपको अच्छा ही आता होगा डाइट को लेके? 250 तक आता अगर भाई पर डे 250 तक खर्चा आता है ये महीने का। अच्छा, अभी आप मतलब पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई रेट क्यों ज़्यादा रहता बन के। अच्छा, नहीं वो भी वजह है। अच्छा, खिलाई पिलाई की तरफ से भी रेट ज़्यादा होता जी, असली गिज़ा खिला रहे यानी ड्राई फ्रूट के टाइप में आप जानवर को खिला रहे जी, तो ऑब्वियसली ये वेट तो गेन करेंगा ही और थोड़ा कॉस्टली भी होगा जी। और नॉर्मली भी मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपको इसमें, जैसे ये साइज़ में माशाल्लाह अच्छा है 128 केजी है, और ये थोड़ा कम साइज़ का है, यानी ये डिफरेंस कैसा? यानी ये ब्रीड अलग अलग है अगर भाई, अच्छा, में भी कई किस्म के जानवर आते हैं, इनकी ब्रीड बहुत अलग अलग रहती है, जैसे कि ये स्पोर्ट्स के काम का जानवर है, इसकी हाइट छोटी रहती है और डाइट भी वज़न भी उतना नहीं जा पाता जितना कि ये वाइट मेंढों का जाता है। अच्छा, वाइट मेंढे का मतलब कलर से डिफ्रेंशिएट मत करिए, लेकिन हाँ हाँ, अभी मेरे पास ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट बोल के यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सपोज अब ये थोड़ा कम हाइट का है, कम वेट का है, तो ये कुश्ती के लिए यूज़ होता जी, जोड़ के लिए, यानी जो शौकीन है स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करते जी, तो ये वाला जानवर है जी, जो शौक के लिए यूज़ करते, ये वेट गेन करने वाला, ये अलग नस्ल का है? अलग नस्ल, यानी एरिया वाइज अलग अलग रहता क्या ये? से सारे जानवर पठानकोट के है अगर। अच्छा, जैसा कि अलग अलग, जैसे कि अलग अलग जंगल आता, अलग अलग जंगल के। हाँ हाँ, पठानकोट में अलग अलग जंगल के बच्चे है समझो जी। तो आप सुन ले, जो कम साइज़ का रहता विलायती में, कुश्ती के लिए अच्छा रहता हो, आप ये जानवर परचेस कर सकते हैं कुश्ती के अगर शौकीन है। और इसकी नाक कैसा उठी हुई है, ये भी डिफरेंट है ना इसमें? इसमें ये और अच्छी क्वालिटी है समझो जी। अच्छा, और एक बात अकबर भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, कंपेयर टू अदर्स अपने पास रेट ज़्यादा रहता है, ये सही है? कंपेयर टू अदर्स रेट ज़्यादा रहता अजर भाई मेरे पास, ये बात सही है। अच्छा, क्यों बोले तो जानवर भी आप देख रहे हैं और नॉर्मली आपकी भाषा में मतलब आपके हिसाब से आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक 200 रुपये का शर्ट है अजर भाई जी, कोई वो ख़रीदने लेके गए तो अगर 200 रुपये कस्टमर को वर्थ नहीं दिखा तो वो शर्ट नहीं लेता वो। सही है, मेरे जानवर बिक रहे हैं मतलब कस्टमर को वर्थ लग रहे हैं मेरे जानवर इतने के है,
अच्छा, इसलिए जानवर बिक रहे हैं। सही है, क्वालिटी मैटर्स बोलते हैं ना जी। अब मार्केट में गए तो आपको 300 रुपए का भी शर्ट है, 1000 रुपए का भी शर्ट है जी। क्लोथिंग डिफरेंस रहता, आप ये हाँ ये एग्जांपल समझ जाएं जी, बेहतर रहेगा। चीज अच्छी सेल करते हैं अकबर भाई, तो आप कुछ सेल के लिए अकबर भाई अपने पास? नहीं अभी तो कुछ नहीं है अजहर भाई, सारे बड़े जानवर तो सेल हो गए। अच्छा, और इंशाल्लाह एक 8 दिन में किट्स आएंगे। अच्छा, बच्चे बोलूँगा जब, कितने आने वाले हैं कुछ एक अंदाजा? भाई 8 आने वाले हैं बच्चे। अच्छा, 3 से 5 महीने के बच्चे हैं, लेकिन वजन 40 से 55 तक भी है। अच्छा, यानी 2 दांत पे रहेंगे? नहीं 2 दांत पे नहीं रहेंगे, 4-5 महीने के रहेंगे जानवर। अच्छा, स्पेशली बकरीद के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है अपने पास? विलायती की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लोग बोल रहे हैं कि भाई 2 दांत के 2 दांती बकरे बताओ जी। 2 दांती बकरे इंशाल्लाह आज़र भाई देंगे, बकरीद के लिए भी देंगे, देंगे। अच्छा, हेवी वेट के अरेंज करा के दे सकते हैं अकबर भाई आप? हेवी वेट के करा सकते हैं अजहर भाई, लेकिन लिमिटेड। अच्छा, करा सकते हैं, क्यों मतलब तो ये जानवर तैयार नहीं आते बाहर से हैदराबाद में, मतलब जो मेरे जैसा कि आप देखे मिले हुए भी है पूरी जाफरी टीम से जी जी, तो सारे लड़के मेहनत करते हैं तो लिमिटेड जानवर बनाते हैं समझिए। अच्छा, कि आप बोलेंगे कि एक 20 तक जानवर 100+ बताओ बोले तो अपन बता सकते हैं। अच्छा, अगर 20 के आगे बोले तो क्या है फिर मुश्किल है। तो अपन डायरेक्ट मंगाते ना वहाँ से, कैसा ट्रांसपोर्ट का कैसा रहता हो? डायरेक्ट मंगा सकते हैं अजहर भाई बाहर से, लेकिन 100+ के जानवर बाहर से नहीं आते, बहुत कम आते। अच्छा, और ट्रांसपोर्ट में टूटता है आपको भी पता है, ये जो भी जानवर लास्ट टाइम भी अपन शो करे थे ये सब हैदराबाद में बने हुए जानवर है। अच्छा अच्छा, तो आगे फ्यूचर के लिए जैसा बकरीदारी उसके लिए किसी को ऑर्डर देना है आपको, तो आपका नंबर बता सकते हैं जी? 9666050348। तो भाई का नंबर नोट कर लें, ये नॉर्मली इंटरव्यू है जैसे इनके बारे में मैं बताना चाह रहा था, और बेंगलुरु से मुंबई से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे कि तो हैदराबाद में क्वालिटी है अकबर भाई के पास, तो ख़ास उनके लिए मैं ये नंबर भी शो कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो कांटेक्ट कर लें। छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा कॉल ना करें तो बेहतर रहेगा, जानवर छोटे बहुत कम आते आपके पास जी। मैं ऑब्जर्व करा आपके पास पूरे 30 किलो 40 किलो 50 किलो के आते, 40 किलो के ऊपर ही, जब भी पता चल जाता है ना अजहर भाई, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि भाई बकरे को पहचानते कैसा लगे जी, तो अपने जो एनवायरमेंट में वो हाइट लेंथ ले लेता है, 40 किलो का बच्चा हो जाता है तभी पता चलता है कि आगे 100 तक जाएगा बोले। हाँ, अगर ज़्यादा छोटा बच्चा लेंगे तो फिर हैदराबाद की खादगी को गोल हो जाएगा, वो हाइट लेंथ नहीं लेगा, ज़्यादा हाइट लेंथ नहीं लेता। तो ऑलरेडी तैयार हुए सो मोस्टली आप जानवर परचेस करते हैं जी? अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई आपका इंटरव्यू देने के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा जी, और आपके जो लाइकर्स हैं जी भाई वो भी खुश हो गए होंगे इंशाल्लाह। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसी तरह के डेली वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।